اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون उलामलव रबरम उलैक उमहतून महतरम हज़रा ख़्वीन पुरफ़तन दौर में मख्तल तरह के फ़तनों की पहचान व शनाख़त और उनसे बचाव के सिलसिले में सिलसिलावार दरुस् चल रहा है गुजश्त दर्स में हम लोगों ने ये मालूम किया कि खैर का फितना क्या है आज हम मालूम करेंगे कि शर का फितना और उससे बचाओ हजरत शर का फितना शर की आज़माइश बलाओ मुसीबतों परेशानियों के ज़रिए से आजमाइश ये हमें बहुत जल्द समझ में आ जाती है मगर खैर की आजमाइश को समझने से लोग कासिर रहते हैं और उसको हमने गुजत दर्स में मालूम किया है शर की आजमाइश शर का फितना इसको अल्लाह ताला ने बहुत ही जाम अंदाज़ में सुरतुलबारा की आयत नंबर 155 में बयान फ़रमाया जिसको के मैंने अभी आपके सामने पेश की है अल्लाह ताला ने फरमाया नबल नकुम बिश हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे वोला नबलुअन नकुम बिश हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे चंद चीज़ों के ज़रिए से वो चीज़ें क्या क्या हैं मिनल खौफ खौफ के जरिए से वजु भूख प्यास के जरिए से व मिनल मिनलमाल माल घटा के वल वनफुस जानों को घटा कर फल, फ्रूट्स को घटाकर, व व श्रबरीन ख़ुशखबरी सुनादु सबर करने वालों को कैसे सबर करने वाले अल्लादीनदा असाबत मुसीबा ऐसे सबर करने वाले जब उनको कोई मुसीबत लाक होती है कौलू कहते हैं इन्ना लिल्ला हम तो अल्लाह के लिए हैं हमारा वजूद हमारी हर चीज़ अल्लाह की है वह इन्ना ही रोज और हमको एक ना एक दिन उसी की तरफ लौट के जाना है जो लोग ऐसा कर लें उलाइका उमसवा तुम रब हम ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से उनके रब की तरफ से सलामती का नज़ूल होता है रहमतों और बरकतों का नज़ुल होता है व रहम व उलामहत और ऐसी लोग हिदायत याफ्ता है सही रास्ते पर हैं। हैंत इस आयत में अल्लाह ताला ने सारी तफसील बयान फरमा दी कि शर के फितने क्या क्या हैं और उनकी राहें क्या क्या हैं कैसे उनसे बच सकते हैं और बचने वालों के मुकाम मरतबा क्या है कितना फायदा उनको मिलता है हजरात शर के फितरों में से अल्लाह ने बयान फरमाया कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे बहुत सारे शर के जरिए से विश्गम मिनल खौफ सबसे पहला है खौफ खौफ हरास का माहौल दुश्मन का खौफ हाकिम वक्त का डर और खौफ मुख्तलिफ तरह के वबाओं और मुसीबतों का खौफ परेशानियों का खौफ खौफ एक आजमाइश है अल्लाह इसके ज़रिए से आज़माता है कि इस खौफ के माहौल में बंदा मुझसे कितना खौफ खाता है और बंदों से कितना खौफ खाता है देखिए खौफ दो तरह के हैं एक फितरी खौफ और एक है गैर फितरी खौफ डर एक फितरी डर होता है जैसे सांप से डरना दुश्मन से डरना मूसी जानवरों से नुकसानदेह चीजों से डरना ये फितरी चीज है ये डर शिरक नहीं है गैर फितरी तरीके से जो डर होता है वो अल्लाह से होता है और ऐसा डर शिरक होता है सफर का महीना नुकसान होगा मंगल का दिन है बरकत नहीं होगी सामने से बिल्ली गुजर गई तो मुसीबत आ जाएगी उल्लू बोल दिया कब्बा बोल दिया नुकसान हो जाएगा तो ये गैर फितरी डर और खौफ है ये शिर के दायरे में आता है खौफ के जरिए से अल्लाह ताला आजमाएगा अल्लाह ताला देखना चाहेगा सामने से बिल्ली गुजरेगी क्या करता मेरा बंदा उल्लू बोल दिया क्या करता मेरा बंदा कुछ लींबू फिटकरी वगैरह या अंडा फोड़ा हुआ है उसको छलांग दिए उंगल दिए अब अल्लाह ताला आजमा कर देखेगा क्या करता है साबिर रसूल गालिबा इमिन मसूद के सामने एक परिंदे ने आवाज़ की किसी ने कहा कि खैर आ खैर खैर हो खैर हो उन्होंने कहा कि क्यों ला खैर वाला शर इसके बोलने से ना खैर होगा ना शर होगा ऐसा क़ीदा मत रखा करो बल्कि ये जो शर है ये जो खौफ है गैर अल्लाह गैर फितरी तरीके से गैरुल्ला से रखना यह शर्क होता है खौफ के माहौल से अल्लाह तजमाएगा मुख्तलफ तरह के खौफ ऐसे खौफ के माहौल में डटे रहना सब्र करना इस्तेकामत की राह दिखाना राह पर चलना और हमत अमली इख्तियार करना अल्लाह तर इमरान में गजवाए वहद के पूरा मंजर बयान करने के बाद फरमाया कि देखो दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे हर वक्त खौफ का माहौल क्रिएट करेंगे लेकिन तुम क्या काम करना दो काम करना इससे बचने के लिए वहीं तस्वीर व तको अगर तुम सबर करो और फूकूक के कदम रखो एहतियात करो एहतियात करो तकवर परिजगारी की ज़िंदगी इख्तियार करो यही इलाज है ला या दुर्रकुम कह इन दुश्मनों के मकरो फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है दो काम करो एक सब्र करो अपने आप को कंट्रोल करो बर्दाश्त करो कोई गलत इकदाम ना किया करो तब एहतियात करो तकवर परेजगारी की जिंदगी इख्तियार करो अल्लाह वाले बनो दूसरा है जो अल्लाह ताला आजमाएगा भूख और प्यास के जरिए से भूखा रखकर प्यासा रखकर आज का माहौल देखो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है शटडाउन है जिसकी वजह से कितने लोग भूख के लिए भी परेशान हैं एक आजमाइश है आजमाइश है और ऐसे भूख के मारे में इंसान को चाहिए कि कुफुर शिर बिदा तो ना दे हराम कारी में मुबतला ना हो हराम खोरी में मुबतला ना हो एक आजमाइश है अल्लाह आजमाता है कि फकर में और कुफर में फकर में आकर कुफर ना करें अरबी में कहा जाता है कादल फकरफुर करीब है कि फकर व फाका कुफर में मुबतला कर दे ऐसा ना हो आप याद करो तिरमिशी की उस रिवायत को और इसी तरह से सही बुखारी में भी वो रिवायत हैं कि तीन लोग गार में जाकर पनाह ले लिए और गार का मुंह एक चट्टान ने बंद कर दिया आखिरकार उन लोगों ने बहुत कोशिश की कोई रास्ता नहीं निकला कहा कि अपने अपने नेकियों को याद करो उनमें से एक आदमी ने क्या नेकी याद की है कि मेरी मेरे चचा की एक बेटी थी चचाजाद बहन थी मैं उनको चाहता था और गलतकारी में मुबतला करने की कोशिश करता था लेकिन कभी वो राजी नहीं होती थी एक दिन फकर फाके में मुबतला होकर भूख और प्यास में निडाल होके मेरे पास आई मैं मौके का फायदा उठाकर कहा कि इस काम में मुबतला हो जाओ राजी हो जाओ हो जाओ मेरे से मुकाला कर लो तो याद रखो मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा और तुम तुम्हारी भूख प्यास को दूर करूंगा बेचारी भूख के मारी राजी तो हो गई लेकिन जब वक्त आया तो उस वक्त वो लरसने लगी कांपने लगी थर्राने लगी और उस नौजवान को झिझोड़ के रख दी कहा देख मेरी मजबूरी का गलत फायदा ना उठा अल्लाह अकबर देखो ऐसे वक्त में भी अल्लाह का डर और खौफ भूख और प्यास के जरिए से अल्लाह आजमाएगा अल्लाह आजमाएगा अब देखेगा कि अल्लाह ताला भूख प्यास में मुबतला है हराम रास्ते अल्लाह ताला खोल देगा नाजायज रास्ता अल्लाह खोल देगा हड़पने के लिए और माल को नाजायज तरीके से एंटने का रास्ता अल्लाह खोल देगा बंदे को आजमाना चाहता है भूख और प्यास के जरिए से के देखता हो मेरा बंदा क्या करता है आजमाइश होगी वनक से बिनल अमवाल शर की आजमाइश में से एक है माल को घटाकर माल को घटाकर अल्लाह आजमाएगा जैसे अल्लाह ताला माल देकर आजमाता है अल्लाह घटा कर भी आजमाता है आज के माहौल में खूस बंगलोर में गुजश्ता एक डेढ़ सालों में इसकी वजात की जरूरत नहीं है कि लोगों को अल्लाह ने खूब दिया माल दौलत के अंबार और भरबार दे के आजमाया अब उसको घटा कर अल्लाह आजमा रहा है छीन के महरूम करके अल्लाह ताला आजमा रहा है अब बंदे को अल्लाह ताला देखना चाहता है जब दिया था तब क्या किए हराल और हराम की तमीज किए नहीं किए झूठ से बचे नहीं किए सच की सच सच्च, सच की राह नहीं राय लोगों को धोखा दिए या क्या किए अब देखो अल्लाह ने छीन लिया है और छीन कर भी अल्लाह आजमाएगा हराम रास्ते में जाते हो नहीं जाते हो झूठ दगाबाजी अल्लाह तला आजमाएगा अमवाल माल दौलत को घटा कर अल्लाह आजमाएगा आज देखो लोग परेशान हैं कमाई नहीं है माल दौलत घट चुके हैं हर चीज की कमी हो रही है बेबरकती आम है अल्लाह की आजमाइश है अल्लाह की आजमाइश है इसी तरह से वल अनफुस अल्लाह ताला की आजमाइश शर की जो आजमाइश होती है शर का जो फितना होता है उसमें से ये एक है जानों को घटाकर जानों को नक्स में जानों को घटाकर क्या मतलब है करीब तरीन रिश्तेदार का इंतकाल हो जाएगा चहीदों को अल्लाह ताला ले लेगा अपने नूर नज़र रक्त जिगर को अल्लाह ताला छीन लेगा और उसके ज़रिए से अल्लाह तला आज़माएगा अब इन आजमाइशों से जो आदमी कामयाब हो जाए कारा नबी सल्ला वम ने हदीस में फरमाया कि जब किसी वालिदाइन के औलाद को अल्लाह ताला छीन लेता है वफात दे देता है फरिश्ते पूछता फरिश्ते से अल्लाह ताला पूछता है क्या है मेरे फरिश्ते तुमने उनके नूर नजर लख्त जिगर को तुमने ले लिया है उसने क्या कहा क्या किया तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं अगर ये बंदा सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अल्लाह शुक्र है अला अलाक हाल अल्लाह का शुक्र है तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे तारीफ बयान की हमीदत अच्छा ऐसी हालत में भी मेरी तारीफ की अल्लाह जानता है फिर भी गवाही के लिए वस्तर जाक और इन्ना लाही व इन्ना ची का क्या अच्छा फरिश्ते गवा रहो उनके लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम रखो बैतुल हमद तारीफों का घर है ऐसे वक्त में उन्होंने तारीफ की है सबर किया है इन्ना, इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है क्योंकि हम सब अल्लाह के लिए हमारी हर चीज़ अल्लाह के लिए है हमारे माल और दौलत आलो औलाद हमारे सेहत और तंदुरुस्ती और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की आजमाइश है अल्लाह की दी हुई है अल्लाह लेकर भी आजमाता अल्लाह देकर भी आजमाता है अनफुस खुद अपने आप में भी अल्लाह ताला बीमारियों को देकर आजमाएगा बीमार करके आजमाएगा बीमारी में बहुत बड़ी आजमाइश होती है और याद रखो ऐसी आजमाइशों में कदम कदम पे बंदा सबर करे कदम कदम पे इबादत का सवाब मिलता है कदम कदम पे इबादत का सवाब मिलता है इसी तरह से वल फ्रूट्स को कम करके घटा के पैदावार को घटा के खेती बाड़ी में कमी करके अल्लाह तला आजमाएगा बसाबरीन अब इलाज चाहिए ऐसी आजमाइशों में अल्लाह के शर का जो फितना है कि अल्लाह ताला बहुत सारे शर खौफ भूखा प्यासा रख कर माल और दौलत को घटाकर जानों को घटाकर बीमारी देकर इंतकाल के जरिए से अपने करीब तरीब चीज़ों को लेकर महबूबों को छीन कर फल फ्रूट्स पैदावार में कमी करके तजारत कारोबार को घटा कर अल्लाह ताला आजमाएगा ऐसी बहुत खैर शर के बहुत सारे फितने हैं ऐसे फितनों में अब सॉब वाद इलाज है सवर करो सबर कैसे आएगा याद रखिए सबर एक होता है सबरे मजबूरी और एक होता है सबरे मसरूरी सबरे मसरूरी होना चाहिए सबरे मजबूरी नहीं और सबरे मसरूरी यह है कि दिल अल्लाह से राजी हो हर हालत में जबान से कुछ दिल में कुछ और ऐसा ना हो दिल में यह ना सोचे अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है अल्लाह अरहमर्रहमीन है हमने तकदीर के अच्छाई और बुराई दोनों पर ईमान लाया है एक मोमिन का ये ये तकाजा होता है, ये शेवा होता है और यही मोमिन की अजीब शान है अच्छी हालत में वो शिक्र करता है बुरी हालत में सबर करता है और हदीस में नबी ने फरमाया कि ये यह सलह सदा यह मोमिन के सिवा किसी और कोई ऐसा नसीब नहीं होता है अल्लाह पर ईमान तवक्ल और भरोसा और तकदीर के फैसले पर राजी ब रजा हो तो सबर का मौका मिलेगा सबर की तोफीक आएगी और शरीर साबरीन ऐसे साबिरों के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है अल्ला दिन हो मुसीबत जब उनको कोई मुसीबत लाक होती है किसी भी तरह की मुसीबत जितनी मुसीबतें इससे पहले गुजरी हैं माल और दौलत की मुसीबत हो आलो औलाद की मुसीबत हो सेहत और तंदरुस्तों की मुसीबत हो या रिश्तेदार वारिब को घटाकर उसकी मुसीबत हो माल और दौलत फल फ्रूट्स को कमी करके मुसीबत हो महंगाई की मुसीबत हो या खौफ का माहौल हो खौफ के जरिए से हो हर तरह की मुसीबत मुसीबत कौल्ला हम सारे के सारे अल्लाह के लिए हम और हमारी हर चीज़ अल्लाह की दी हुई अल्लाह की है व एना इलैही राजिऊन और हम और हमारी हर चीज एक ना एक दिन अल्लाह के पास जाना है अल्लाह ने दिया अल्लाह ने लिया है बस ऐसे सबर करने वालों पर उलाएका अलैहिम सलावतु मिर रब्हिम व रहमा ऐसे लोगों पर फायदा क्या होगा अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें सादतें हासिल होगी और वो कहमोहत और यही लोग हिदायत पर हिदायत पर हैं हिदायत याफ्ता है सही रास्ते पर जमे हुए हैं अल्लाह ताला ते लोगों को बेशुमार फायदा देता है इन सब बे हिसाब सबर करने वालों को बेहिसाब सबर बदला अल्लाह ताला देता है और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमायाबर दिया रोशनी है हर तरह की मुसीबत और तकलीफ से निकलने के लिए यह सबर रोशनी का काम देता है इन साबरीन अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है वस्ताइन बबरी वसला सबर के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल करो व इन तस्वीर व तब अगर तुम सबर करोगे तकवर परेजगारी की राह इख्तियार करोगे लादुर्रम कह कैद दुश्मनों के मकरो फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं हजरात है। कैम रही ने बेहतरीन बात कही है उन्होंने कहा कि देखो सबर एक ऐसी का अजीजा और अगर तुम जिंदगी में सबर करते करते जी जाओ तो यह सबर तुम्हें हर दिल अजीज बना देगा अल्लाह अकबर बेहतरीन बात है ये हजरात हमें और आपको चाहिए नबी ने फरमाया कि देखो हर मुसीबत के परेशानी के वक्त में तुम मेरी जिंदगी याद करना मेरी सीरत याद करना और मेरी मौत को याद करना अल्लाह ने भी फरमाया तुम्हारे लिए रसोल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों के लिए मुसीबत जदा के लोगों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन रहनुमा है आपकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना हमारे लिए हैं आप सल्लास माँ के पेट में थे तब से आपकी बला मुसीबत शुरू हो गई वालिद का इंतकाल हो गया पैदा होने के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया बचपने में फिर उसके बाद देखो दादा का साया उड़ गया फिर बड़े हुए बड़े होने के बाद नबी बने तो एक एक करके मुसीबतों के, के पहाड़ आपके सामने आ गए आपके सारे नरीना औलाद आपकी जिंदगी में बचपने में इंतकाल कर गई आपके जो लड़कियां थी वो आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गई सिर्फ एक फातिमा के अलावा आप खुद यतीम थे यतीम आप थे और साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें परेशानियां आई हम में से दो आदमी को बुखार नबी को अकेला आता था आपको कितनी परेशानी और तकलीफों का सामना करना पड़ा कदम कदम पे याद रखे मेरे भाइयों वहद के मैदान में आपके धंदाने मुबारक शहीद हुए लहो लुहान हो गए तायफ के लोगों ने आपको क्या कर दिया मार मार के लहो लुहान कर दिया ऐसे आपकी सीरत का मुताला करें तो हमें सबर मिलेगा हमें हौसला मिलेगा नबी की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है दुआ करें रब्बाल العالمين से अल्लाह तबरक हमें और आपको शर के फितने में कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए पहले तो अल्लाह ताला हमें शर से महफूज रखें अल्लाह हमें शर के जरिए से ना आजमाए हमारे अंदर वो ताकत नहीं है अल्लाह ताला और अगर आजमाए अल्लाह ताला हमें सब्र दे आमीन व अखुरदाबान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानकल्लाहु बिहमदिक व सुब्हानल्लाहि इलाह इल्ला अंता